स्मार्ट सिटी रांची जो है, लग रहा है कि उसको स्मार्ट बनने का मन नहीं है, उल्टा रांची अब गांव बनना चाहता है। शहर में आप देखिएगा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन वो बिल्डिंग में ना बल्ब जल रहा है, ना नल में पानी आता है, ये सब काय हो रहा है बताएगा आपका फूकी भाई। खाली रांची नहीं, झारखंड में बहुत सा जगह का यही हाल है। बहुत गर्मी है जी, जब से गर्मी आया है रोज रात को जो है हम एक खेल खेलते हैं, आइस पाइस। कुछ नहीं होता है कि एगो छुप जाता है और दूसरा खोजता है, वही खेलते हैं, एक तरफ से हम एक तरफ से बिजली। लेकिन रोज हम हार जाते हैं, कितनों खोज लें बिजली मिल भी नहीं करता है। खोजने के लिए दोस्त लोग को फोन करते हैं कि हाँ जी तुम्हारे तरफ है बिजली, तो उधरों नहीं रहता है। अब राज्य से बाहर तो नहीं जा सकते बिजली खोजने के लिए, यही कारण है कि हम रोज हार जा रहे हैं। अरे लाइट कट गया क्या? लीजिए अब लाइन तो कट गया, ऐसे ही मैटर समझ लीजिए। देखिए, अच्छा देख तो नहीं पा रहे होंगे, सुनिए, रांची में जो पीक समय होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिजली का खपत होता है जिस समय पे, उस समय में 260 से 270 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होता है, लेकिन मिलता है बस 230 से 240 मेगावाट, इसलिए दिक्कत हो जाता है। अरे आ गया, ऐसे ही आते जाते रहेगा। गर्मी है तो एक कूलर खरीदे थे, इस बार सोचे हवा खाएंगे, लाइन है नहीं और हमसे ज़्यादा गर्मी कूलर को लग रहा है। कल रात में बिजली था नहीं तो कूलर हमको बोला कि भैया बहुत गर्मी है, सो एक काम कीजिए हमको छत पे रख दीजिए, हम वहीं सो जाएंगे। लाइन रहता भी है तो थोड़ा देर के लिए, कभी वोल्टेज लो है तो कभी लाइन ट्रिप कर गया, बिजली ऑफिस में फ़ोन करो तो बोलेगा कि अभी लोड ज़्यादा है, कहीं फॉल्ट हो गया है, काम चल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि लाइन कब आएगा। बता भी दिया तो ये नहीं बताएगा कि 15 मिनट रुकेगा। जैसे लाइन आया तब आप सोचे कि हाँ दिन भर से एकदम गर्मी से परेशान थे, अब आप खाना ले बैठे पंखा के नीचे, ये अब आराम से खाएंगे, आम उम जब तक काटे तब तक लाइनें कट गया। अब दूसरा मैटर, अब लाइन नहीं रहेगा तो मोटर नहीं चलेगा, और मोटर नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा। यही हुआ भी, रुका डैम जानते होंगे आप लोग, रांची वाला लोग तो जानते ही होंगे, वहाँ से पानी की सप्लाई होता है शहर में। कल उधर वोल्टेज कम था इसलिए मोटर चला नहीं, अब इसलिए कल बहुत इलाकों में पानी पहुंचा नहीं। यही सब के कारण जो है कल रांची के सांसद संजय सेठ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मोमबत्ती और ढिबरी जला के बैठे थे, विरोध कर रहे थे सरकार का, बोले कि सरकार को जनता परेशानी दिखवे नहीं करता है, शहर में न बिजली है न पानी है, कोई देखने वाला नहीं है। वो बोले कि जनता जो है हाथ वाला पंखा गर्मी भगा रहा है, ढिबरी जला के अपना घर में रोशन कर रहा है, और CM साहब मंत्री जी लोग और अफसर लोग मस्त अपना बंगला में AC चला के बैठा है। लेकिन आपको तो पते है सरकारी काम में बहुत समय लगता है, हो सकता है कि ठंडा मौसम तक बिजली वाला दिक्कत ठीक हो जाए, तब चलाइएगा कूलर पंखा। तब तक के लिए काम कीजिए, छत पर चटाई बिछाइए और आराम से सो जाइए, मेरा मतलब रात में, दिन में छत पर चटाई उटाई मत बिछा लीजिएगा, लू मार देगा। खैर हम जाते हैं, मेरा कूलर को गर्मी लग रहा होगा, उसको पंखा होंक देंगे। बाप रे गर्मी, हाय गर्मी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।